hello children good morning today i am going to teach you mathematics subject chapter number 5 shapes and design so let's begin question number 1 grow the pictures from the shapes and color them as पर इंस्ट्रक्शन ड्रो द पिक्चर फ्रॉम द सेप्स एंड कलर दें एस पर इंस्ट्रक्शन अभी आपको देखो ये पिक्चर दी हुई है अभी इधर आकार बताए है. ट्राइंगल स्क्वायर सर्कल रेक्टेंगल है तो क्या है इसमें आपको पिक्चर दी है वो हिसाब से आपको ट्राइंगल है उसमें रेड कलर दिया है स्क्वेयर है उसमें ग्रीन करना है सर्कल है इसमें येलो करेंगे रेक्टेंगल में ब्लू करेंगे अभी देखो आप पिक्चर में देख रहे हो ये सर्कल बताया है तो सर्कल में कौन सा करना है येलो कलर है ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में रेड करेंगे वैसे नीचे दूसरी पिक्चर दी हुए ड्रो किया है उसको भी आपको ऐसे हिसाब से करना है भी हाउस दिया है तो हाउस में आपको देखो ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में कौन सा कलर आएगा रेड आएगा सर्कल में येलो ए स्क्वायर है तो ग्रीन और ए भी स्क्वायर है तो ग्रीन रेड है तो ब्लू आएगा पिकऑप दिया है आपको इसमें भी वही हिसाब से करना है सर्कल है रेड यानी जो सर्कल है इसमें आप क्या करेंगे येलो कलर है फिर आपको ट्राइंगल में रेड कलर करना है ये भी ट्राइंगल है सब में रेड आएगा ट्राइंगल तो रेड आएगा इसमें देखो ये रेक्टेंगल दिया है तो ब्लू है इसमें आपको सर्कल है तो इसमें ये येलो कलर करना है सर्कल में येलो करना है ट्राइंगल में रेड कलर करेंगे इसमें ये सर्कल है दिया स्क्वायर दिया है तो ग्रीन कलर आएगा रेक्टेंगल टाइप है तो उसमें ब्लू कलर एक्सरसाइज नंबर टू में दिया है काउंट एंड कलर एज पर इंस्ट्रक्शन काउंट एंड कलर एस पर इंस्ट्रक्शन भी आपको वन नंबर दिया है इसमें सेफ्स बताया है कलर और नंबर्स लिखने हैं कि एक ट्राइंगल एक ट्राइंगल है सिर्फ आकर ट्राइंगल है और ट्राइंगल कितने हैं वो आपको काउंट करना है कितना करना है काउंट करना है फिर नंबर्स लिखने हैं कि भाई नाइनटीन ट्राइंगल है तो इसमें ट्राइंगल है नाइनटीन इसमें अपने कलर रेड ग्रीन करना है ट्राइंगल में सब में हम ग्रीन कलर करेंगे फिर स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कितने हैं वो काउंट करेंगे ये आपको पिक्चर दिए जैसे वन टू तो, थ्री फोर है ऐसे आपको काउंट करना है स्क्वायर कितने हैं तो काउंट करके हम सामने लिखेंगे नंबर्स फिर यह सर्कल सर्कल कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ऐसे सब सर्कल को काउंट करना है हम्म इसका नंबर लिखना है फिर सर्कल में अपने को येलो कलर करना है फिर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल कितने है? उसको काउंट करना है और इसने ब्लू कलर करना है अभी एक्सरसाइज नंबर नीचे काउंट एक्सरसाइज नंबर टू का ये वन नंबर था पिक्चर अभी टू नंबर का नीचे दिया है टू नंबर में आपको ये पिक्चर दी हुई है भी आकार बताया सेक्स आप देख रहे हो इसमें स्क्वायर है ट्राइंगल रेक्टेंगल सर्कल भी कलर बताया है तो स्क्वायर है इसमें ग्रीन करना है ट्राइंगल है इसमें येलो करना है रेक्टेंगल में ब्लू और सर्कल में रेड भी आप देख रहे हो नंबर्स इसके यानी जो आप कलर करके बाद में जो स्क्वायर कितने हैं उसको सबके मिला के स्क्वायर लिखना है कितनी है वो काउंटिंग करेंगे स्क्वायर को फिर हम देखेंगे इसे हम देखने जाए तो वन टू थ्री स्क्वायर है फिर तो सब थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट ऐसे सबको गिनना है फिर लिखना है कितना है स्क्वायर कितने है वो लिखना है फिर ट्राइंगल कितने हैं वो काउंट करेंगे फिर उसको लिखेंगे हुँ? फिर है रेक्टेंगल कितने हैं वो उसको काउंट करेंगे ये भी रेक्टेंगल में आएगा आपको ये रेक्टेंगल है ये है ये है ये सब रेक्टेंगल में आता है ये ये तो रेक्टेंगल है उसमें हम लिखेंगे नंबर्स लिखेंगे अभी स्क्वायर में भी देखो आप छोटे छोटे बताए ये भी स्क्वायर आता है तो स्क्वायर आकार होता है इसमें स्क्वायर आता है उसके नंबर्स लिखेंगे थ्री नंबर काउंट द कॉर्नर एंड मैच विद द नंबर काउंट द कॉर्नर एंड मैच with द नंबर अभी आपको ये पिक्चर दी है यानी सिर्फ आकार दिए है उसमें से कॉर्नर है उसको आपको काउंट करना है और उसको नीचे नंबर्स दिए उसमें मैच करेंगे आपको इधर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तक आपको क्या दिया है नंबर्स दिए है नंबर्स दिए है और आपको सेप्स आकार दिए है उसमें से आपको वो हिसाब से उसको कॉर्नर को काउंट करना है और मैच करना है अभी जीरो में देखो जीरो अभी जीरो जीरो का कोई कॉर्नर नहीं है तो हम जीरो को जीरो में मैच करेंगे ये जीरो है तो इसमें सर्कल को मैच करेंगे उसमें कोई कॉर्नर नहीं होता अभी वन नंबर दिया है तो वन नंबर में आप देख रहे हो इधर तो इसका कॉर्नर वन बनता है इधर एक कॉर्नर होता है कोना होता है तो हम वन को वन के साथ में मैच करेंगे अभी टू नंबर है तो आपको ये देख रहे हो हम्म तो इधर वन और ये टू टू कॉर्नर हो गए इसको यहाँ से यहाँ मैच करेंगे फिर थ्री नंबर तो ट्राइंगल आकर दिया है तो वन टू थ्री कॉर्नर हो गए कितने हुए वन टू थ्री कॉर्नर हो गए अभी फोर नंबर फोर नंबर में वन टू थ्री फोर कॉर्नर हो गए वन टू थ्री फोर कॉर्नर अभी फाइव नंबर तो ए आकर बताया है वन टू थ्री फोर फाइव कॉर्नर हो गए कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव अभी सिक्स नंबर है ये आपने थर्ड में देखा थर्ड का कॉर्नर है वन टू थ्री किया है इधर वन टू थ्री अभी फाइव में आपको वन टू थ्री फोर फाइव बताया अभी सिक्स में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अभी फाइव नंबर वाला आपको कॉर्नर बता रही हूँ वन टू थ्री फोर फाइव अभी सिक्स नंबर है तो उसका हम कॉर्नर बताएंगे इधर ऊपर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अभी सेवन नंबर है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अभी एट नंबर है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ए भी कॉर्नर दिखा रहे है अभी नाइन नंबर है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो ये नाइन को न ना रहे वैसे आपको मैच करना है देखो पहले एक बार मैं फिर से बताऊंगी कि वन नंबर वाला है जीरो को जीरो के साथ में मैच किया है ये वन है तो वन के साथ में मैच किया ये टू है तो टू के साथ में मैच किया थ्री है तो वन टू थ्री के साथ में मैच किया अभी फोर है तो फोर ऊपर ट्राइंगल बताया है आपको वन टू थ्री फोर हो गया फिर फाइव है तो वन टू थ्री फोर फाइव है फिर सिक्स है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है फिर सेवन है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है फिर एट दिया है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अभी नाइन है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन उसको क्या करना है काउंट करके मैच करना है क्या करेंगे उसको काउंट करके मैच करेंगे एक्सरसाइज नंबर फोर पुट राइट ऑन द सेट्स विथ कर्व इन द फिगर गिवन बी लो पुट राइट ऑन द सेट्स विथ कर्व इन द गिवन बिलो आपको नीचे आकार दिए है इसमें कर्व यानी वणांक वाला जो भाग है उसको अपने को क्या करना है राइट मार्क करना है ये जो वणांक वाला भाग बताया है इसमें हम राइट करेंगे जैसे ये पूरा वणांग है तो इसमें राइट है ये वाला हुआ है तो उसको राइट है ये भी वणांक वाला भाग है तो राइट है ये भी बना हुआ है ऐसे देखो ये भी वाला हुआ है पणांग करवड़ करव यानी पणांग माँ को भाग यानी तो उसके ऊपर अपने को क्या करना है राइट करना है जो वणांग भाग है उसमें हम राइट करेंगे एक्सरसाइज नंबर फाइव दी है मेट द सेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ इट्स नेम मैथ द ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द नेम अभी आपको आकार दिए हैं और इसमें बीच में नेम दिए हैं तो कौन सा आकार है उसको मैच करना है क्या करेंगे कि कौन सा आकार है उसको मैच करेंगे हम्म देखो पहले में आपको एक क्या है पोस्टकार है पोस्टकार का आकार कैसा दिया है रेक्टेंगल है पोस्टकार का आकार रेक्टेंगल है तो हम रेक्टेंगल है आर ई सी टी ए एन जी एल ई रेक्टेंगल तो हम रेक्टेंगल उसको मैच करेंगे रेक्टेंगल पर उसको मैच करेंगे अभी ये आपको बताया है कौन ये कौन है तो कौन है सी ओ ई कौन तो कौन को कौन के मैच करेंगे डाई है यानी स्क्वायर आकार होता है डाई का तो स्क्वायर है एस क्यू ए आर स्क्वायर डाई को स्क्वायर करेंगे अभी इधर बैटरी दी है तो बैटरी का आकार है सिलेंडर सिलेंडर आकार है तो सी सी वाई एल आई एन डी ई आर सिलेंडर फिर ये है सन दिया है तो वो सन का आकार सर्कल होता है गुड़ होता है तो सी आई आर सी एल ई अभी ये ट्रायंगल आकार है टी आर आई ए एन जी एल ई अभी इसमें आपने देखा रेक्टेंगल आकार है तो रेंटा में करेंगे एक कौन है तो कौन में मैच करेंगे आकार 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 है आकार है आकार है सिलेंडर सर्कल और एक ट्राइंगल आकार है इसमें हम मैच करना है एक्सरसाइज नंबर सिक्स है सिक्स नंबर है मैच द ऑब्जेक्ट विथ इट्स शेप्स एंड कलर मेट द तो ऑब्जेक्टिव विथ इट एंड कलर अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया है देखो ये आकार दिया है सर्कल है अभी इसमें कलर बताया है रेड ये रेड आकार का है रेड कलर है तो इधर ले गए स्क्वायर देखो सर्कल फिर है सर्कल में रेड कलर है फिर ये रेड कलर है अभी ये रोटी ये रोटी चपाती दी है उसका भी आकार सर्कल है ऐसे आपको मैच करना है ये भी इसमें मैच हो जाएगा डाई है ये ट्रायंगल आकार है तो इसका कलर है ग्रीन तो उसको हम ग्रीन पे मैच करेंगे ये बस है रेक्टेंगल आकार ब्लू है इसमें हम मैच करेंगे ब्लू पे ऐसे अलग अलग आपको शेप्स दिए हैं और कलर दिए है उसमें अपने को मैच करना है अभी ये भी देखो स्क्वायर आकार है तो स्क्वायर में करेंगे फिर भी इसका कलर है ब्लैक तो उसमें करेंगे ऐसे पहले आपको आकार में मिलाना है बाद तो में हम कलर जो आकार है जैसे कि रोटी का कलर है तो आकार ये है उसका आकार सर्कल है अभी सर्कल में कौन सा कलर है रेड है तो रेड से मैच करेंगे बे त्रिकोण आकार है तो त्रिकोण में कौन सा कलर है ग्रीन है तो जितने भी त्रिकोण है उसको इधर अपने को मैच करना है इधर तो एक ही दिया है उसको तो हम मैच करेंगे फिर उसको हम रेड ग्रीन कलर पे करेंगे अभी ये आपको बस दी है तो बस का आकार रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में अपने मैच करना है तो रेक्टेंगल में मैच करेंगे तो उसका कलर कौन सा है ब्लू है तो फिर उसको हम ब्लू के साथ में मैच करेंगे स्क्वायर है तो स्क्वायर का कलर दिया है इधर ब्लैक है तो उसको हम ब्लैक को ब्लैक के साथ में मैच करेंगे एक्सरसाइज नंबर सेवन राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फाइव पीसीस टेग्राम एंड मेक द सेप्स फिगर एज पर इंस्ट्रक्शन राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन नीचे दिया है उसके राइट आंसर देना है ऑन द बेसिस ऑफ द तो फाइव पीसीस सभी आपको इधर फाइव भाग दिए है टेनिग्राम एंड मेक द तो सेप्स दिया है फिगर दिए है इधर पर इंस्ट्रक्शन अभी क्वेश्चन नंबर आपको वन पूछा हुआ है कि हाउ मैनी ट्राइंगल आर देर इन द टेग्राम आपको टेनीग्राम दिया है तो ट्राइंगल कितने हैं टेनीग्राम के अंदर क्वेश्चन मार्क दिया है विच नंबर शो ट्राइंगल कितने वो बताना है कि इसमें ट्राइंगल में ट्राइंगल के टेनीग्राम के अंदर जो आपको ये आकृति दी है उसमें टेनीग्राम में ट्राइंगल्स कितने ही? और बीस नंबर शो ट्राइंगल और कौन कौन सा नंबर ट्राइंगल है वो बताएंगे तो आपने देख रहे हैं कि पिक्चर में पूरी आपके ट्राइंगल कौन सा है देखने जाओ तो वन ये वन नंबर है वो भी ट्राइंगल दिख रहा है आपको ये टू नंबर का ट्राइंगल है और ये फाइव नंबर ट्राइंगल दिख रहा है तो हमने थ्री लिखेंगे ये कितने ट्राइंगल है हाउ मैनी पूछा है तो थ्री है

Which two are similar, एक same से, in बताना है इसका आकार एक सेम जैसा है टू नंबर से आर सिमिलर एक सेम है इन द टेनिग्राम तो कौन सा है तो देखो ये टू नंबर और फाइव नंबर का सेम आकार है देखो ये टू और फाइव शेम दिखा रहे हैं तो सेव्स विद विच टू नंबर्स आर सिमिलर इन दिस टेनिग्राम टू एंड फाइव टू एंड फाइव है वो सिमिलर एक जैसे हैं थ्री नंबर विच नंबर शो स्क्वायर इन दिस टेनिग्राम अभी स्क्वायर कौन से नंबर पे है वो बताना है विच नंबर्स शो स्क्वायर इन दिस टेनिग्राम तो अपने देखो स्क्वेयर दिखाई दे रहा है तो उसका कौन सा नंबर है थ्री नंबर से कौन सा नंबर है थ्री है तो थ्री नंबर डालेंगे के बीच नंबर नंबर शो स्क्वायर इन दिस थ्री और का क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ बीच टू सेप्स आर ज्वाइनेड टू फ्रॉम ए स्क्वायर इन 30 टेनिग्राम नंबर ऑफ विच टू शेप्स आर ज्वाइनेड जो जॉइंट होते हैं तो फ्रॉम ए स्क्वायर इन द टेनिग्राम तो दो नंबर को हम जॉइंट करेंगे तो उसका आकार कैसे बनेगा स्क्वायर इन द स्क्वायर तीस स्नेग्राम ट्रेन यानी स्क्वेयर आकार बनेगा थ्री और फाइव नंबर को हम ज्वाइन करेंगे तो देखो ए टू नंबर है और फाइव नंबर को इधर लेंगे साथ में तो क्या हो जाएगा स्क्वेयर हो जाएगा क्या हो जाएगा स्क्वेयर तो नंबर ऑफ बीच टू ए स्क्वेयर इन दी स्ग्राम टू एंड फाइव टू एंड फाइव नंबर को ज्वाइन करेंगे तो स्क्वायर बनता है

टू फ्रॉम ए स्क्वायर इन दिस टेनीग्राम तो टू एंड फाइव को जॉइन करेंगे तो स्क्वायर आकार बनेगा ये एक्सरसाइज नंबर फाइव दी है इधर आपको फाइव नंबर में हमें एक डिफरेंट सेप्स दी इधर इस शो बिलो फ्रॉम टू स्मॉल ट्राइंगल बनाने हैं दिस इज ऑफ द टेनीग्राम अभी आपको क्या करना है डिफरेंट सेप्स आकार बताने इधर एस सो बिलो फ्रॉम टू स्मॉल ट्राइंगल पीसीस ऑफ टेनिग्राम आपको जो आकार दिया इसमें से दो ट्राइंगल स्मॉल ट्राइंगल बताने है अभी देखो ये ट्राइंगल है तो हम उसको स्मॉल बताएंगे यानी ये टू और फाइव ट्राइंगल हो गया अभी इसमें से हम टू और फाइव करेंगे इसमें से हम आधा आधा करेंगे टू एंड फाइव और ऐसे ही आपको नीचे उसको ड्रॉ करना है क्या करना है ऐसे ही उसको आकार बना के उसको बनाना है जैसे ट्राइंगल के हमने अलग अलग पार्क किए जैसे ऐसे एस, बीच में से भी लो तो भी हो सकता है ट्राइंगल न? बीच में से लेंगे तो भी टू एंड फाइव ट्राइंगल हो जाएगा देखो ये सिमिलर है डॉट एंगल टू एंड फाइव फिर सिमिलर एक जैसे स्मॉल ट्राइंगल ए भी स्मॉल ट्राइंगल ऐसे आपको बनाना है एक्सरसाइज नंबर मेक सेप्स एज इलोन फ्रॉम तो फाइव डिफरेंट फाइव डिफरेंट स्पीसी करने फाइव आकार बनाने और टेनिग्राम एंड स्टिक अभी हम फाइव एंडस्टिकाइविस करेंगे जब देखने जाओ तो ये वन नंबर का भाग होता है ए टू और थ्री फोर और, और फाइव एक आकार में से हमको फाइव बाग करने फाइव फीसिस करने डिफरेंट अलग अलग बाग करने तो वन टू थ्री फोर फाइव देखो इधर ऐसे आकर भी बना सकते हैं जैसे एक टेनग्राम के फाइव भाग करने जैसे वन टू थ्री फोर फाइव है ना थ्री फोर फाइव भाग करेंगे ऐसे आपको नीचे भी उसको प्रो करना है जैसे टेनिग्राम बताया है पूरा तो उसके पीसेस बनाने हैं अपने को देखो ये वन पीसीस बन गया अपना फिर पूरा टू पीसेस है डिफरेंट से ऐसे नहीं है कि ट्राइंगल ही बताना है क्योंकि स्क्वायर भी होता है ये ट्राइंगल होता है स्क्वायर होता है ये भी देखने जाओ तो स्क्वायर हो जाता है ये अरे फोर और फाइव है वन फोर फाइव वो ट्राइंगल होता है और टू और थ्री है वो स्क्वायर हो जाता है नु? तो वो हिसाब से आपको क्या करना है इसके अलग अलग पीस करके उसको बनाना है इसके नीचे बनाएंगे आप समझ गए ओके okay.